नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नादीन जॉनसन के बारे में। नादीन ने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और एक फार्मास्यूटिकल नर्स बनने के लिए अध्ययन की शुरुआत की और जनवरी 2001 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जॉनसन ने अगस्त 2000 में अपनी सहेली जर्मन बेटी बॉलहाउस की वेबसाइट पर मॉडलिंग की शुरुआत की। वह जल्दी अपने पर्सनल उद्योग प्रसिद्धि के लिए आगे बढ़ी। जापानी पत्रिका बैचरेल के लिए उनकी पहली उपस्थिति थी और उनकी शुरुआत के 14 महीने के बाद डैनी एज और सौत्रिका स्कोर पत्रिका की वेबसाइटों पर उन्होंने दिसंबर 2001 में अपनी खुद की वेबसाइट भी लॉन्च की। नवंबर 1994 में जब वह केवल 13 वर्ष की हुई थी, तब उनके एक गंभीर मोटरसाइकिल दुर्घटना हो गई थी, जहां पर एक कार ने उनके प्रेमी मोटरसाइकिल को टकरा गई थी और उन्हें कई महत्वपूर्ण चोटें और टूटी हड्डियों के कारण साथ जोड़ दिया था। अस्पताल में 6 महीने तक इलाज किया गया। उन्होंने उसके पैरों पर बचा लिया था, लेकिन वह उल्लेखनीय निशान के साथ छोड़ दिया था। प्रारंभ में उनके फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया ताकि दिखाई देने में संकेत ना दिखे। इस अप्रतिपता दुर्घटना के कारण उन्हें जन्म दिया और कई मौकों पर कामुक गैटर का उपयोग करते हुए बुद्धिमानी से छिपाने के साधन के रूप में उनके बाएं पैर पर बड़े हिस्से पर दुर्भाग्यपूर्ण चोटों का सामना करना पड़ा। आजकल उन्हें दिखाना अधिक आरामदायक है। अब वह अपनी कई तस्वीरें में देखी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।